Assalamu alaikum. The Monetary Policy Committee meeting of the State Bank of Pakistan will convene on August 22nd. इस मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में वी एक्सपेक्ट स्टेट बैंक टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज एट 15%. इस अनचेंज स्टांस के पीछे जो मेन फैक्टर्स हमें लगता है वो ये हैं. फर्स्टली द रीसेंट डेवलपमेंट ऑन द एक्सटर्नल फ्रंट. PBS ने हाल ही में ट्रेड नंबर्स रिलीज किए हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जिसमें हमने सिग्निफिकेंट कमी देखी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स में. तकरीबन 47% से मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन आया है ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स में. इस डिक्लाइन की मेजर रीजन है इम्पोर्ट बिल में कमी, और इसी के साथ फिस्कल ईयर 23 के लिए जो ओवरऑल कैट का नंबर बनता हुआ नजर आ रहा है तकरीबन 3% ऑफ द GDP. सेकेंडली इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस. सो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी से अगर कंपेयर किया जाए तो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में कमी देखी गई है. WTI इज डाउन 12%, कोल इज डाउन अराउंड 12%, स्टील में तकरीबन 8% की कमी है और अरब लाइट इज डाउन 5%. ऑल दिस टू बोड्स वेल फॉर द ओवरऑल एक्सटर्नल अकाउंट पोजिशन. तीसरा फैक्टर है स्लो डाउन इन ग्रोथ ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स. ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट हमने देखा है जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जिसमें सीमेंट सेल्स आ जाती हैं, पावर जनरेशन आ जाता है और दीगर सेक्टर्स की सेल्स आ जाती हैं, इसमें लास्ट मंथ में हमने या तो मॉडरेशन या स्लाइटली डिक्लाइन देखा है इन द ओवरऑल ग्रोथ. अगर बात करें सीमेंट सेल्स की तो देवर डाउन 62% मंथ ऑन मंथ. पावर जनरेशन वॉज डाउन 5.3% मंथ ऑन मंथ एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट सेल्स वर डाउन ऑलमोस्ट 26%. सो वो जो स्टेट बैंक का एक टारगेट है टू मॉडरेट द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ वो यहाँ पे अचीव होता हुआ नजर आ रहा है. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज रिकवरी ऑफ PKR अगेंस्ट डॉलर. रिसेंटली हमने देखा है PKR स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट द डॉलर एंड स्पेशली आफ्टर द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद द IMF. अगर हम बात करें रिकवरी की तो तकरीबन 9.5% की रिकवरी हमने देखी है आफ्टर टचिंग लो ऑफ 239.94 अगेंस्ट द डॉलर ऑन 28th of July. सो एक जो मेजर कंसर्न था स्टेट बैंक का जो कि डिवेल्यूएशन ऑफ रुपी है वो यहाँ पे एड्रेस होता हुआ नजर आ रहा है विद करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोइंग डाउन एंड IMF इन प्लेस. लास्टली मनी मार्केट सेंटिमेंट. लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि जुलाई में कन्वीन हुई थी उससे लेके अब तक अगर देखा जाए तो प्राइमरी मार्केट में कट ऑफ्स जो हैं T-bills और PIPs दोनों के अनचेंज रहे हैं ऑलमोस्ट. इनफैक्ट अगर बात करें PIPs की तो उसमें 3 साल और 5 साल में हमने कट ऑफ्स में डिक्लाइन भी देखा है. सो प्राइमरी मार्केट के यील्ड कर्व को देखते हुए लगता है कि मनी मार्केट टू इज एक्सपेक्टिंग स्टेट बैंक टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 15%. थैंक यू.